और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव वोट डाल के अब बाहर आ रही हैं। पता नहीं अब मीडिया से बात करते हैं या नहीं करते हैं, मीडिया के कैमरों का अच्छा खासा हुजूम है, लेकिन इतना तो तय है कि जिन दावों की बात वो लगातार चुनावों की कैंपेन में कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो आने वाली है, परिवर्तन तो होने वाला है, बदलाव तो दिखाई देगा, अब वो बदलाव हो पाता या नहीं ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जब तक 10 मार्च की तारीख नहीं आती और 7 मार्च तक जब तक आखिरी मत नहीं पड़ जाता तब तक इसी तरीके से चुनाव का प्रचार भी चलता रहेगा। और अखिलेश यादव अब यहाँ से क्या बोलते हैं जरा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अखिलेश यादव वोट डालने के लिए सिफई पहुंचे, उनकी पत्नी डिंपल यादव उनके साथ, वोट डालने के बाद बाहर निकले। पीछे हो जाओगे सबसे बात हो जाएगी। ए, तुम कहाँ घुस गए पहले? ए, तुम हट जाओ। निकलो भैया, अब बताओ भैया कैसे लोग रहेगा, कैसे बताओ। ये क्या कर रहे हो भाई मेरे हाथ में? पीछे पीछे हो जाओ, सबसे बात कर लीजिए। हाथ छोड़ो संतोष। राजेश तुझे बचा के अरे ऊपर तो एक बार सब खड़े जाओ, मैं बात कर लूंगा सबसे। आइए आइए आइए, व्यवस्थित हो जाओ सब लोग। अगर व्यवस्थित हो जाओगे ए सब लोग, ए पकड़ लो तुम्हें। देखिए हाँ ये ठीक किया। अरे तो कैसे लगा है। अखिलेश यादव वोट कास्ट करके बाहर आ चुके हैं, डिंपल यादव उनकी पत्नी उनके साथ। देखिए आपने वोट डाला है, मैं आज खुद वोट डाल करके आया हूँ और जितना ज्यादा वोट पड़ेगा उतना ही हमारा लोकतंत्र और बलवान दिखेगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट डालें और एक एक वोट उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हो। ये वोट खुशहाली के लिए, ये वोट किसान की तरक्की के लिए, ये वोट नौजवान को नौकरी और रोजगार मिले। ये वोट जो आज डाला है वो उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए। इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा और बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी वहीं पहुंच जाएगी जहां पर पिछली विधानसभा में संख्या थी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ी, बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट के, डिफेंस एक्सपो हुआ, लेकिन यहाँ के नौजवानों के हाथ में ना नौकरी मिली ना रोजगार मिला। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम 24 घंटा काम करते हैं, आखिरकार 11 लाख पद सरकारी क्यों खाली हैं? पिछले कई वर्षों से फौज की भर्ती क्यों नहीं हो पाई? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जवाब नहीं दे सकती है इसीलिए उनकी भाषा बदली हुई है। आज ही जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं और वो साबित भी हो रहा है, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में।
जहां राजधानी, क्या मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, क्या ये बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली कुछ दिनों से लापता थी, अब पीजीआई के नाले में उसकी लाश मिली है। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह नाले में उसकी लाश मिली है, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को बताएंगे कि पुलिस की कांस्टेबल महिला की मौत हुई, उसको किस तरीके से मारा गया, कितने दिन लापता रही, क्या ये बताएगी? और साथ ही साथ में मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, ये कह रहे थे कि अगर बंगला बड़ा होगा, घर गाड़ी होगी, कोई अपहरण कर लेगा। आप बताइए, अपहरण हुआ आगरा से एक व्यापारी के बेटे का, दो दिन वो फरौती नहीं दे पाया, 25 लाख की मांग थी, क्या उनके बेटे की हत्या हो गई कि नहीं हत्या हो गई? मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी सो रहे थे जब हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल लड़की को लापता होकर के लाश मिली है पीजीआई नाले में? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए बताएंगे कि दोषी कौन है? क्या मुख्यमंत्री जी सजा दे पाएंगे जिसकी वजह से जान गई है? देखिए मुख्यमंत्री जी तो निशाना साधेंगे ही, देखिए सी अगर अगर कोई आंख बंद कर ले उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी 5 साल रहे बाबा मुख्यमंत्री, आपने अपने मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं क्यों नहीं दी, डॉक्टर और स्टाफ को जो सुविधाएं पीजीआई की हैं? जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने गोरखपुर को एक्सप्रेसवे नहीं जोड़ पाए, जिम्मेदार कौन है? और जो विकास हुआ है सफाई का, वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। अरे गुजरात वाला मामला है, इसमें दोषियों को सजा दी गई है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं वो लोग, भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी के नेता है जो गुजरात वाले मामले में दोषी करा। देखिए समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं, कोई आतंकवादी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर आज और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी से चलती है, आपके साथ भी फुट आई स्ट्रेटजी से चलती है, उन्हें पता है। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगाने वाले हैं वो झूठे हैं कि नहीं है? इटावा में आए थे बाबा मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने झूठी तस्वीर लगाई कि नहीं लगाई? उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर जब विकास दिखाना था तो चीन की फोटो चोरी करके कौन लाया? जिस समय उन्हें कारखाना दिखाना था उस समय आपने अमेरिका का कारखाना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव को आपने सुना, हमेशा की तरह पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते थे, कुछ उसी तरीके के आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा योगी गोरखपुर में विकास क्यों नहीं कर पाए, सवाल पूछा, बीजेपी के सारे नेता झूठ बोल रहे हैं। आजमगढ़ को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात का इस तरीके का जवाब दिया। हमारे साथ राजेश कुमार जुड़ गए हैं करहल से, हम सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। करहल में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, एसपी सिंह बघेल ने अभी कुछ दिन पहले आरोप ये लगाया था, नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। अभी तक तीनों फेज में क्या आकलन है सर आपका? पहले दो चरणों में शतक लग चुका है, और जिस तरीके से शतक लगा है इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी और गठबंधन होगा। आपका एक वीडियो आया था, एक पुलिस वाले वो पुलिस वाले सुन लो उस पे वो कह रहे हैं। अरे कल आपने वो नहीं सुना? आपने नहीं देखा और वीडियो जो अभी आए हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे थे, फौज की नौकरी। अरे फौज की नौकरी कब दोगे? और जहाँ तक ये सवाल है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है,
आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाए जो तस्वीर दिखानी चाहिए थी। आखिरकार वो क्या हो रहा था सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।